फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूँ अभिषा एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ, वरना मैंने बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स बनाए थे। और मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ली थी कि हम लोग घूमने गए थे, कि मैंने आपको बताया था वीडियोज़ में, और उसकी वजह से मुझे बहुत सारा काम करना था, इसलिए मैं इतने टाइम से व्लॉग्स नहीं बना रही थी। और इसलिए मैंने बस जो ट्रैवल वीडियोज़ थे वो सब डाल रही थी मंडे फ्राइडे को। और मेरा रूटीन 8th क्लास से काफ़ी चेंज हो चुका है। मींस पहले तो मैं एक ट्यूशन जाती थी और वो भी हफ्ते में 4 बार होता था, पर अब मैं 2 ट्यूशन जाती हूँ, और एक तो इंग्लिश वाला ही वो वीक में 3 बार होता है, और मैथ्स वाला वो वीक में 4 बार होता है। और 9th क्लास का मैथ्स बहुत 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 डिफ़िकल्ट है। साइंस तो अभी तक मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा, इजी है 9th क्लास का, पर मैथ्स बहुत ही डिफ़िकल्ट है। थोड़ा काम भी करना है, और मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल करके उनसे पूछा था क्लास टीचर कौन है। और एक वीक हमने छुट्टी ली थी, फिर सैटरडे संडे थे, उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ जब खेलने जाती थी तो मैंने उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली थी कि कौन कैसा है, कौन सी टीचर स्ट्रिक्ट है, कौन नहीं है, मुझे पता चल गया था। और मुझे काफ़ी मज़ा, जब मैं फर्स्ट वीक गई थी तो मैं बस एक दिन नहीं गई थी वेडनेसडे को, क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर टाइप का हुआ था, बाकी मैं सारे डेज गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मींस 9th क्लास थोड़ा सा डिफरेंट है, गेम्स पीरियड भी 3 है और कंप्यूटर पीरियड 1 है, और फ्रेंड्स संस्कृत कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदी है। और SST 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, और साइंस तो पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और बायो की मैम तो अभी से आना शुरू किया है मैम ने, और फिजिक्स की मैम ने भी, केमिस्ट्री की मैम ने कुछ टाइम पहले से आना शुरू किया है, क्योंकि पेपर चेक कर रहे थे बोर्ड के एग्ज़ाम के वो लोग कहीं और जाके, इसलिए वो अभी कुछ टाइम पहले आई हैं, वरना तो फ्री पीरियड होते थे सारे, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब फ्री होते थे। फिजिक्स की मैम तो स्टार्टिंग से आ रही हैं, हाँ फिजिक्स की, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की छुट्टी होती थी। और मैथ्स पढ़ते पढ़ते मैं इतना बोर हो जाती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। ट्यूशन भी जाती हूँ, ट्यूशन होता है ना वीक में 4 डेज, तो 1 घंटे का होता है, तो जाती हूँ वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे तो कर लेती हूँ, पर स्कूल में मुझे बहुत बोरिंग लगता है। पहले मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता था और ईजी भी लगता था, पर अब ना इतना मुश्किल हो गया कि कुछ समझ नहीं आता, जिसकी वजह से बोरिंग हो गया है। पर फिर भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ घर पर और ट्यूशन जाती हूँ, तो हो ही जाता है। और जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि मुझे सोना बहुत पसंद है, तो ट्यूशन की वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। पर कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन दोनों ट्यूशन्स नहीं होते, क्योंकि एक हफ्ते में 3 बार होता है, 1-4 बार होता है, तो मैं कभी कभी सो जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आती है। और स्कूल का टाइम टेबल भी सही है, और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन साइंस नहीं होता, और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन SST नहीं होता, और इंग्लिश भी होता है किसी किसी दिन, पर मैथ्स हर दिन होता, हर वीक में हर दिन होता है, तो यही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कितना यार बोरिंग हो जाता है, बट चलो कोई बात नहीं। और हमारा जो EDM है, आर्ट, डांस, म्यूज़िक, वो भी एक ही होता है। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है व्हाट्सएप में बैकपैक। वैसे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए, तो जैसे कि मैंने उनको कहा कि मेरे जो इतने वीक्स थे वो अपना काम कंप्लीट करने में लग गए, इसलिए मैं नहीं बना पाई, पर मैं धीरे धीरे सबके विशेष पूरी करूँगी और सारे वीडियोस बनाऊँगी। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है व्हाट्स इन माय बैग। और वैसे तो नॉर्मली बैग में सेम चीज़ होते हैं, बट आपका रिक्वेस्ट मिला इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि व्हाट्स इन माय बैग, मेरे बैग कैसा है एंड एवरीथिंग। और वैसे भी न्यू सेशन स्टार्ट तो हो ही गया है इसलिए, और ना मेरे को जहाँ मैं घूमने गई थी वहाँ बहुत मज़ा आया था, और ना मैं उस भी कुछ वीडियोस बचे हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो वो भी मैं डालूंगी। बट इसके नेक्स्ट वाला वीडियो वो व्हाट्स इन माई बैग होने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको पसंद है तो मेरे वीडियोज़, और बेल बटन को दबा दें कि जब भी आप मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए, और फिर आप व्हाट्स इन माई बैग और बाकी सारे वीडियोस देख सके, मैं सबके विशेष पूरी करूँगी और सारे वीडियोस बनाऊँगी एक एक करके धीरे धीरे करके, पर टाइम लगेगा। और मैं मंडे और फ्राइडे को सारे वीडियोस डालने वाली हूँ। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो मैं थोड़े से ट्रैवल वीडियोस बच रहे हैं तो वो मैं डालने वाली हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आया था वहाँ पर। वैसे बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वहाँ बहुत गर्मी थी, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें थोड़ा विंटर्स में जाना चाहिए, जनवरी में जाना चाहिए था या फेब्रवरी मार्च में, और
वैसे गर्मी थी बट स्टिल मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे जैसलमेर में आया था, वहाँ जब हम डेजर्ट्स में गए थे और बहुत मज़ा आया था। वहाँ पे डांसिंग हमने बहुत मस्ती की थी इसलिए मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया। मिस करती हूँ, मेरा मन करता है फिर जाने को। और हमने वहाँ पे कैमल राइड भी किया था तो मुझे बहुत मज़ा आया था वैसे वहाँ पे। और वो जो कैमल राइड जितने भी वीडियोज़ हैं, वो ट्रैवल वीडियो भी मेरा वो आने वाला है, वो भी आएगा तो फिर वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और जैसे कि हमारे स्कूल स्टार्ट होने वाले थे इसलिए जो मेरे कज़न बहन थी वो भी वहाँ यहाँ पे रहने नहीं आई, वो भी सीधे ट्रेन से चंडीगढ़ चले गए थे क्योंकि उनका भी स्कूल स्टार्ट हो रहा था और उन्हें बुक्स वो सब भी ख़रीदने थे। हमने तो पहले ही ख़रीद लिए थे पर उन्हें ख़रीदने थे बुक्स और यूनिफॉर्म, इसलिए वो लोग चले गए। हम ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड कर पाए, बस वहाँ पर घूमे। बट स्टिल मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आया, हमने इन्जॉय किया। और पर जितना मज़ा पौंडीचेरी में आया था उनके साथ उतना मज़ा यहाँ पे नहीं आया मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे बीचेस बहुत पसंद है। पर राजस्थान में क्या था कि ना बस वो सारे महल महल थे हर जगह हर जगह, इसलिए हाँ वही किला किला, इसलिए उतना थोड़ा बोरिंग भी था। बट ज़्यादा मज़ा मुझे पौंडीचेरी में आया था क्योंकि बीचेस मुझे पानी में मस्ती करते ना गर्मी में, मुझे बहुत पसंद है। पर मेरे को थार डेजर्ट में और जहाँ पे हम लोग गए थे जैसलमेर में डेजर्ट्स में, वहाँ मुझे बहुत मज़ा आया था। मीन्स वी इंजॉय कि जो हमारा जो जो था जो हम जिस ट्रक टाइप कोई कार था, हाँ सफारी सफारी था उस, वो ऐसे ऐसे हो रहा था ऐसे स्लोप्स से, तो मैं बहुत मज़ा आ रहा था। और फ्रेंड्स और हमारे जो गर्मी की जो छुट्टी होती है समर हॉलीडेज, वो मई की एंडिंग में शुरू होते हैं और एक मंथ पूरा जून होते हैं, और फिर जो जुलाई होता है उसमें 1 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे ही हमारा है, बट जैसे कि हमारा 6th, 7th और 8th में होता था कि 40 मार्क्स का पेपर होता था जुलाई में, अब नहीं, अब सिर्फ 80 मार्क्स के पेपर होंगे। उसमें पीरियोडिक 1, पीरियोडिक 2, पीरियोडिक 3 होंगे, 3 पीरियोडिक होंगे और एक होगा एनुअल, और बस यही 4 पेपर होंगे और सारे 80 मार्क्स के ही होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। और मैं 12th में से हॉलीडे पे होंगी, मीन्स मैं छुट्टियाँ ज़्यादा पहले से ले लूँगी क्योंकि जो मेरे कज़न ब्रदर हैं उनकी शादी है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने सारी जो ड्रेसेस होती है उनकी शॉपिंग कर ली है। मैं मीन्स संडे हो जाती थी और शॉपिंग कर लेती थी। और एक तो शादी में मैं लहंगा पहनने वाली हूँ पिंक सा, बहुत प्रीटी लाइट बेबी पिंक है, और फिर मैं रिसेप्शन में गाउन पहनने वाली हूँ, सीक्वेन पूरा सीक्वेन नहीं पर थोड़ा सीक्वेन है उसमें, और मैरून टाइप का गाउन है, इतना प्रीटी है कि मैं क्या बताऊँ। जब मैंने उसे देखा था तब मैंने कहा था कि मुझे चाहिए, बट फिर मैंने बोला कि बाद में खरीदेंगे। फिर जब हम फिर से गए, जब हम लोग गए तो फिर मुझे वो पसंद आया, और फिर मैंने एक और देखा था मुझे वो भी पसंद आ गया, बट ना वो थोड़ा सा शॉर्ट था तो मैंने सोचा कि शादी में तो शॉर्ट नहीं पहनेंगे ना, शादी में तो कुछ गाउन टाइप का ही पहनेंगे, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी मैं ख़रीद लूँ, बट मैं अपने बर्थडे में पहनूँ वो, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब मुझे सीक्वेंस आजकल बहुत पसंद आ रहे हैं, और शीन पे भी मैंने देखे हैं बहुत सारे सीक्वेंस ड्रेसेस जो बहुत ही प्रिटी होते हैं, इसलिए आजकल मेरा सीक्वेंस पे ज़्यादा शौक हो गया। इसलिए जो मैंने गाउन ख़रीदा है वो भी सीक्वेंस है, और जो मुझे एक मीडी टाइप ड्रेस चाहिए वो भी सीक्वेंस में ही है, तो अभी उसका तो पता नहीं, पर जो मैंने लहंगा है और वो मैंने ख़रीद लिया है, और ज्वेलरी भी ख़रीद लिया है। मैं थोड़ा सा मेकअप का सामान भी ख़रीदूँगी, ज़्यादा हैवी मेकअप तो मैं वैसे भी करती नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत ख़रीदूँगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपने कज़न बहन से मिलूँगी एंड अब ऑलमोस्ट अपने सारे कज़न ब्रदर्स से मिलूँगी, कज़न सिस्टर तो मेरी 2 ही हैं, इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पर फिर से स्कूल छूट जाएगा बट कोई बात नहीं, फिर ना जून में मैं शायद कहीं नहीं जाने वाली हूँ, तो मैं सारा काम कंप्लीट कर लूँगी। और जैसे कि 1 जुलाई को पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करनी होगी, तो उसके साथ साथ काम कंप्लीट करते करते ही कर लूँगी। और वैसे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत खुशी हो रही है, और मैं अब जल्द से जल्द जाने का मन कर रहा है वहाँ पर। एंड मेरा भाई का बर्थडे भी आने वाला है तो मैं उसके लिए छोटा सा व्लॉग बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, छोटा सा सेलिब्रेशन होगा इसलिए। पर जितना मैं एक्साइटेड शादी के लिए हूँ उतना किसी के लिए नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे कितना मज़ा आने वाला है बस वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि जो ड्रेसेज हैं वो सबकी फिटिंग भी हो गई, मैंने पहन के देखा इतने प्रिटी हैं। अभी मेरे को अपना जो फुटवेयर है वो ख़रीदना है, ज्वेलरी भी ख़रीद ली है और चूड़ियाँ वो सब कुछ ख़रीद लिया मैंने, मैं बहुत खुश हूँ। और
मैंने सोचा है कि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें जो भी मेरे जो शादी रिसेप्शन के जो भी ज्वेलरीज ड्रेसेस फुटवेयर मेकअप जो भी है मैं आप सब आपसे शेयर करूं क्योंकि इसमें डालूंगी तो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसमें तो बस इन्फॉर्मेशन बताना था कि मेरे को आपके आपको कि अभी क्या चल रहा है मेरे साथ और एवरी थिंग, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से व्लॉग नहीं बनाया था ट्रैवल व्लॉग को छोड़ के, इसलिए उसमें मैं जो भी होगा सब कुछ गाउन वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। वो शायद मैं मई में बनाऊंगी क्योंकि अभी नहीं, अभी तो कुछ सामान लाने हैं इसलिए, और मई में सही होगा क्योंकि फिर मई में जाना भी है इसलिए। वैसे ये गाइस व्लॉग नहीं था, मतलब थोड़ा सा मैं जो मिस अभी चल रहा है वो चिट चैट टाइप ही था जो मैं आपसे शेयर किया है कि मिस अभी क्या चल रहा है इसलिए। और मैं रूटीन्स भी बनाऊंगी क्योंकि अब सब कुछ डिफरेंट हो गया है और सब कुछ न्यू है तो उसके लिए उनको अलग से बनाना पड़ेगा रूटीन, आफ्टर स्कूल रूटीन एंड मॉर्निंग रूटीन जो भी होगा मैं ट्राई करूंगी कि मैं बनाऊंगी। अभी तो नहीं पर मैं जब भी बनाऊंगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी बिकॉज सब कुछ चेंज हो गया है इसलिए वो तो करना पड़ेगा। और ये था मैं छोटा सा वीडियो, होप आपको ये पसंद आया होगा छोटा सा चिट चैट इन्फॉर्मेशन वीडियो। और बाय सो नेक्स्ट वीडियो, और से एक वीडियो को थम्स अप दीजिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा एंड बाय।